उभरते हुए भारत में कृषि की तकनीक बदलती जा रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान उन्नत कहे जाने वाले बीज, खाद और रासायनिक दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे खेती का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन फसलों को लगने वाले कीट और बीमारियां भी तकनीक से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसी कारण खर्च बढ़ता जा रहा है और उत्पादन नहीं के बराबर बढ़ रहा है। लेकिन इन सब समस्याओं के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना दिखाई नहीं देती। कृषि वैज्ञानिक भी बीमारियों के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। पिछले कई वर्षों से किसान गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक का उपयोग करते आ रहे हैं। कीटनाशक दवाइयों की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब गेहूं की फसल पर भी इल्लियों और अन्य बीमारियों का प्रकोप अच्छा खासा होने लगा है। गेहूं में बालियां ही नहीं आई है, गेहूं में 15-20% बलिया ही आई है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये 10 दिसंबर को गेहूं बोए थे, इसमें खाद दवाई दो बार दो स्प्रे दवाई करी और दो बोरी खाद है, 2-3 बोरी, और उम्बी में इल्ली का डंक है, कल्ले भी नहीं पूरे निकले और ये हमारा अधिक नुकसान हो चुका है अभी किसान का। और हमें मुआवजा मिलना चाहिए सरकार तरफ से। क्या नाम आपका? पवन राठौड़, देवली। कितने एकड़ गेहूँ है आपका? अपने 2 एकड़ के गेहूँ है। राजेश भाई, गेहूँ में उम्बी ना बहुत कम देखे रहे ना भैया। एक काम, इलई को अटैक ज़्यादा हुई गो, हमने 2 बार एक आप स्प्रे भी करियो, बाकी इलई को कवर भी नहीं हुई ना। गेहूँ में कई मालूम कई खराबी आई गई तो उम्बी ना भी निकाल पाई रहा वो। कितनी उम्बी होएगा? उम्बी एक चिड़िया में मान चलो एक उम्बी करीबन 15-20 उम्बी निकालना चाहिए, बाकी एक नहीं निकले तो एक ऐसी का ही होगा। अब यार हमारे तो फसल खत्म हो जाएगी, अब हमारे का ही करांगे काम। एक कोई कृषि विभाग वाला नहीं आवाज कि नहीं होता? कृषि विभाग वाला का उनका कमांगा जब आवाग, नहीं तो मन से तो आवन नहीं। वो का ही नाम तुम्हारा? राजेश राठौर, गाँव देवली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।